आज इस वीडियो अपडेट पे हम बात करेंगे ट्रेन नंबर 22947 के बारे में, जो कि भागलपुर से सूरत के बीच चलती है। दरअसल रेलवे की ओर से जुलाई के महीने से इस ट्रेन में बड़ा परिवर्तन किया जाने वाला है, और आइए इसकी जानकारी आज आपको इस वीडियो में हम देते हैं। भारतीय रेलवे 2 जुलाई से सूरत से इस ट्रेन का संचालन नए रैक कंपोजिशन के साथ कराने वाली है। वहीं भागलपुर से यह ट्रेन नए LHB रैक के साथ 4 जुलाई से चलेगी। भागलपुर जमालपुर क्यूल के रास्ते चलने वाली इस ट्रेन से अक्सर आप यात्रा करते होंगे, अगर आप सूरत या फिर गुजरात का जर्नी करने के लिए ट्रेन का चुनाव करते होंगे। तो जाहिर सी बात है कि इस ट्रेन में अब नया LHB रैक लग जाएगा। सप्ताह में 2 दिन चलने वाली इस ट्रेन में अब बेहतर सुविधाएँ मिलेगी। ट्रेन नंबर 22947 के साथ यह ट्रेन सूरत से और ट्रेन नंबर 22948 के साथ यह ट्रेन भागलपुर से खुलती है, और अब नए LHB कोच के साथ इस ट्रेन का परिचालन होगा। LHB कोच लग जाने के साथ इस ट्रेन में सीटों की संख्या बढ़ जाएगी, और अभी से ट्रेन का परिचालन ICF कोच तक होता आ रहा था। ICF कोच को LHB से बदलने की तैयारी शुरू कर दी गई है, और 2 जुलाई से यह ट्रेन सूरत से नए रैक के साथ चलाई जाएगी। LHB कोच जुड़ जाने के साथ इस ट्रेन के हर एक कोच में 6 की जगह 8 सीटें बढ़ जाएगी, और स्लीपर में 72 से सीट की संख्या बढ़ करके 80 हो जाएगी। AC सेकंड टायर में 48 से 54 सीटें हो जाएगी, और AC थर्ड टायर में 64 से 72 सीटें हो जाएगी। इसके अलावा 22 कोच वाले से ट्रेन में AC सेकंड टायर का एक कोच लगा रहेगा, AC थर्ड टायर का 5 कोच, स्लीपर कोच की संख्या 10 रहेगी, और सामान्य श्रेणी के कोच की संख्या 3 रहेगी, जिसके साथ एक पेंट्री कार और 2 पावर कार लगा रहेगा। LHB कोच लगने से यात्रियों को सुखद और आरामदायक सुविधा मिलेगा, और इसके अलावा बायो टॉयलेट्स, सामान रखने के लिए ज़्यादा जगह मिलेगा। इसके अलावा कुछ अन्य ट्रेनों में भी इस तरह का कंपोजिशन देखने को जल्द मिलेगा। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इस वीडियो को शेयर करें, और नई ट्रेनों के अन्य अपडेट के लिए हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब।